इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं परम पूज्य श्रवण रत्न मुनि श्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल, वंश जायसवाल, अहमदाबाद। इस काल में अभी भी फिर आने वाले समय में क्या होगा, कैसे निर्ग्रंथों के चर्या का पालन होगा। कल कोई दीक्षा लेने का भाव भी रखे तो उसके सामने इतना बड़ा खौफ इतना सामने रखा है कि अरे मैं दीक्षा ले लूं और कहीं पहुंच जाऊं तो मेरे साथ ऐसा होगा। तो वैरागी कभी सोचेगा नहीं, पर जिसको अभी वैराग्य आने की संभावना है, वैराग्य उसे कुछ कुछ अंशों में अंकुरित हो रहा है, वो ये सोचेगा मैं घर परिवार सबको छोड़कर वहां साधना करना जाऊंगा, समाज के बीच में जाऊंगा और समाज ही सेवा वैयावृत्ति नहीं करेगा, आहारचर्या नहीं कराएगा तो मैं क्यों दीक्षा लूं। ऐसा विचार आ सकता है, ऐसे विचार आ सकता है। आप ही सोचो ना, आपके ही कभी भाव हो जाए कि मैं दीक्षा ले लूं और सामने ये दृश्य खड़ा हो तो आप क्या सोचोगे, मैंने घर परिवार छोड़ दिया, समाज को इतना भी समाज को अपने कर्तव्यों का बोध नहीं है कि साधु की व्यवस्था हमारी व्यवस्था कैसे हो, वह कभी जीवन में आगे बढ़ने का विचार नहीं करेगा। आज युवा क्यों नहीं आगे आ रहे हैं, आज धर्म के प्रति मंदिरों में इतनी उदासी युवाओं के मन में क्यों है? मात्र और मात्र इसी कारण से है कि उन्हें कोई हाथ देकर उठाकर वहां खड़ा करने वाला नहीं है कि बेटा खड़ा हो मैं तुम्हें पूजा सिखा रहा हूं। धोखे से कुछ गड़बड़ हो गई, बुखारिया जी कहते अकल नहीं तो पूजा करने क्यों आए, बड़े आए पूजा करने वाले अभिषेक करने वाले, पहले सीखो। आपकी नहीं कह रहा हूं पर आप ही की कह रहा हूं, होने तो बेचारा मैं किसी के नाम लेके कहता हूं उसको ही पकड़ के पेट देते महाराज, नहीं ऐसे भी जीव है। आपका मां कर्तव्य था, कोई पहली बार आहार देने आया है, पहली बार समझ रहा है धर्म क्या है, पूजा क्या है, दान क्या है, सेवा क्या है, हम ऐसे डांट देते उसको बेचारे कि वो कान पकड़ता है, भगवान हाथ जोड़ ले आज से तुम्हारे, तुम जाने और तुम्हारे ठेकेदार जाने, हम तुम्हारे पास नहीं आ रहे। जब भीड़ कम हो जाती है अधिकांश युवा आते हैं और हमसे कह जाते महाराज जी जब सब चले जाते ना 11-12 बजे तब जाके हम भगवान को दर्शन कराते हैं, मंदिर पहुंचो, इनकी लड़ाई उनके ताने सुनो उनके सुनो, उससे अच्छा है भैया हम दूर ही अच्छे। जब कोई नहीं होता चुपचाप जाओ भगवान के दर्शन करो और वापिस आओ। ये बुजुर्गों को भी सोचना होगा और कठोर शब्द लग सकते हैं पर तथा कथित धर्म के ठेकेदारों को भी सोचना होगा कि ऐसे ठेकेदारी से अशोक जी धर्म चलने वाला नहीं है। धर्म की जिम्मेदारी प्रत्येक धर्मात्मा को, बुजुर्गों को, युवाओं को भी समझने की आवश्यकता है। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती, ताली कभी कभी एक हाथ से नहीं बजती है। अगर आप कोई ये कहे कि आज के युवा आगे नहीं आना चाहते हैं तो ये भी ध्यान रखना आप आगे आने नहीं देना चाहते हो इसलिए वे आने नहीं चाहते। दोनों हाथ से ताली बजती है। अगर आप कोई बुजुर्गों से हाथ देकर कहे कि बेटा चल मैं जिनवाणी सुनने के लिए जा रहा हूँ, मैं निर्ग्रंथ की वैयावृत्ति करने जा रहा हूँ, ज़्यादा नहीं तुम 5 मिनट बैठ भी मत, बस एक बार चरण छूले थोड़ा सा ऐसा कर और चला जा, एक बार गोदाजी ले आओगे विश्वास मानना वह दूसरे दिन आपको ले आएगा कि दादाजी नहीं चल रहे हैं हमें वैयावृत्ति करने जाना है। पर हम सोचते हैं हमें ही समय नहीं है, हम कहाँ से ले आएंगे, हम ही खोज सोचते हैं हमें ही समझने समय नहीं है, हमें ही 9-10 दुकान में 12 आज तक कितने बजते भाव, अब तो सावन चल रहा है तो 12 क्या और 2 क्या। पर ये भी ध्यान रखना वैयावृत्ति का अर्थ मात्र शरीर की सेवा नहीं है, वैयावृत्ति का अर्थ मात्र शरीर की सेवा नहीं है, उनके परिणामों की, उनके अनुकूल प्रवृत्ति को करना ये भी वैयावृत्ति है, ये भी वैयावृत्ति है। ये जरूरी नहीं है कि दान देने से ही पुण्य मिलेगा, नहीं है माना कि किसी की शक्ति प्रतिदिन दान देने की, प्रतिदिन चौका लगाकर पड़गान करने की, कोई बात नहीं पर
निर्गंथ मुनिराजों के निर्विघ्न आहार हो, ऐसी भावना से क्या चौके में पहुंचकर शोधन करके उनकी वैयावृत्ति भी नहीं कर सकते? क्या वहाँ बैठे बैठे अच्छी भावनाओं को भाते भाते हम शोधन करना करवाना, वहाँ क्या अनुकूल है आगे पीछे व्यवस्था बनाना, इतना करके क्या वैयावृत्ति का पुण्य नहीं प्राप्त कर सकते? दान का पुण्य, दान का पुण्य, दान का पुण्य ज्ञानी तभी मिलेगा जब स्वयं की वस्तु तुम निर्ग्रंथ के हाथ पर स्वयं के विधिपूर्वक पड़गान करके दोगे तो विधिपूर्वक उसका पुण्य मिलेगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम कल से वह व्यवस्था बनाना भी बंद कर दें। जो भी उनके निमित्त से आप अपनी स्वयं को व्यवस्थित करते हुए शोधन करना, वहाँ आदि जो भी कार्य है वह प्रत्येक कार्य तुम्हारे वैयावृत्ति के अंतर्गत ही आएंगे। इतना इतना एक त्रियंश भी जानता है अपने अपने मालिक के आँखों के इशारों को नहीं जानता? दुकान का नौकर भी तो जानता है, घर के नौकर भी जानते हैं वह सेठ सेठानी आँखों से क्या कहना चाहते हैं। फिर वह जब नौकर आपकी आँखों को पढ़ना जानता है, क्या आप निर्ग्रंथों की आँखों को पढ़ना नहीं जान सकते माँ? क्या आप अपने बेटे को रो रहा है, जिसको बोलना नहीं आता उसको क्यों रो रहा है ये नहीं जानते? बोलो ना। वह छोटा सा बालक, नन्ना सा बालक रो रहा है, कभी भूख के लिए रोता है, कभी एक नंबर, कभी दो नंबर, कभी पेट दर्द, किस लिए रो रहा है माँ आप नहीं जानते? जानती है समझदार माँ, समझदार माँ जानती है बेटे का भोजन का समय हो गया है, पानी का समय हो गया है, हो सकता है बेटे ने एक नंबर कर ली हो, उसको साफ करती है। कितना विवेक, कितना विवेक माँ को घर गृहस्थी चलाने में है, क्या उतना विवेक धर्म और धर्मात्मा की रक्षा के प्रति है? नहीं है। वह कितनी समझदारी से माँ उस बालक की नहीं बदलते। आजकल तो डायपर हो गया है उठा, और पहले तो फिर भी लंगोट थी, निकालो धो फिर पहनाओ। आज साधन होने के बाद भी करना छोड़ दिया क्या? नहीं छोड़ दिया। कितना राग, कितना राग, कितना राग उस बात बेटे के प्रति, बालक के प्रति, संतान के प्रति होता है। भले ही उसकी नाक बह रही है, दो बजा के देते हो क्या? हैं? क्या करते हो, क्या करते हो? बोलो ना, मौन है। किससे पहुंचते हो? दूसरे को बुलाते हो, आ भाई मेरे बेटे की नाक पहुंच। क्या करती हो माँ? रुमाल हो तो रुमाल, और रुमाल नहीं मिले तो बहुत बढ़िया, कम से कम स्वीकार तो कर रहे हो। सोचो विचार करो, कितना राग तुम्हें अपने संतान के प्रति है। मैं इसलिए समझा रहा हूं, एक माँ रुमाल मिले सो रुमाल, और रुमाल नहीं मिले नाक बहते मुंह में ना जाए, तुरंत अपना पल्लू खोलती है और नाक पहुंच लेती, बेटा चल भग। कितना राग है, जिसको तुमने 9 महीने गर्भ में पाला पोसा उसकी तो नाक पहुंच के, और इतना अमृत जैसा वो नाक, उसको छपा वैसे रख देती, फाड़ के फेंक देती। वही दूसरे की पहुंचने का हो तो 4 बार मुंह बनाएंगे क्या? बेटे के नाक से अमृत झर रहा था, उसे पहुंच के रुमाल में ही पहुंच दिया तो कहाँ रख दिया राजीव? जेब में रख दिया, अमृत है। पर सोचना ये राग की मोह की कैसी परिणति है उस संतान की, नाक को मल को भी, क्या 2 नंबर नहीं साफ की बच्चों की? उनकी भी 2 नंबर, उनकी भी उठाई साफ की, उनके कपड़े बदले, क्या उतना इतना विवेक, इतना उपगमन, इतना स्थितिकरण, इतना वात्सल्य के साथ कभी हम निर्ग्रंथों की वैयावृत्ति करने का प्रयास किया? नहीं। थोड़ा सा शरीर मलिन दिखता, अरे यार महाराज गंदे है, बदबू आ रही। ये विवेक चाहिए। वह तो तुम्हारी घर की धरोहर को, घर की संपत्ति को निपटाने वाली संतान थी, बुरी नहीं मानना पर सत्य यही है। वो तो तुम्हारे घर की प्रॉपर्टी को निपटाने वाली संतान थी। धर्म की कोई अगर सच्ची संतान है तो निर्ग्रंथ है। इन संतानों का कभी माता पिता बनकर आपने पालन पोषण किया? कभी सेवा, कभी वैयावृत्ति, उनकी अनुकूल क्रियाओं को करने का प्रयास किया?
जैसे वो माँ अपने बेटे की भूख प्यास आंखों की चमक को देखकर पहचानती है, उसके रोने को देखकर पहचानती है, निर्ग्रंथ रो नहीं रहे हैं तो क्या हुआ कि आप उनकी आंखों को, उनके शरीर को, उनकी अवस्था को देखकर इतना नहीं पहचान सकते कि उनकी अनुकूलता प्रतिकूलता क्या है, उनके उन्हें कौन से समय पर क्या देने की आवश्यकता है, ये क्या नहीं समझ सकते? समझने के लिए तुम्हारा जी हम सब समझ लेते हैं, पर समझना है ही नहीं तो फिर हम समझदारी दिखाए क्यों? समझदारी है ही नहीं है हमारे भीतर तो समझदारी हम दिखाए क्यों? आज भगवान कुंदकुंद स्वामी उस वैयावृत्ति तप को ही तपने की बात आप श्रावकों से कह रहे हैं। ये बहुत बड़ा पंचमकाल का तप है। तपस्या कोई और कर रहा है, तपस्या कोई और कर रहा है, तुमने उस तपस्वी की मात्र सेवा क्या कर ली, उनको बिठाने के लिए पाटा आसन क्या दे दिया, तुमने उच्चासन दे दिया, तुमने उनकी वैयावृत्ति कर ली। मात्र आहार दान ही सेवा नहीं है और मात्र हाथ पैर दबाना ही वैयावृत्ति नहीं है, उनकी प्रत्येक अनुकूल प्रवृत्ति को आपको करना, उनको कहाँ किस वस्तु की कैसी आवश्यकता है ये समझ लेना, ये आपकी वैयावृत्ति तप की व्याख्या यहाँ प्रारंभ हो रही है। ये वैयावृत्ति है, ये वैयावृत्ति है, वैयावृत्ति है। आपने पाटा भी लगा लिया, वे सोच रहे थे कोई पहुँचे और वहाँ रखा हुआ ग्रंथ उठा के मुझे दे दे, आप समझ गए, वहाँ से ग्रंथ उठाया, भगजिनवाणी को विराजमान किया, आप हाथ जोड़ के चले गए, आपकी वैयावृत्ति तप तो हो गया। कितने घंटे लगे, कितने घंटे लगे? लोगों ने वैयावृत्ति मात्र 9:15 समझ के रखी है, वह 9 से 10 एक घंटे आओ, हाथ पैर दबा लो और जितना दर्द नहीं हो रहा उतना और दर्द करा के चले जाओ। हाँ, कई बार होता है ऐसे, ऐसे नोच के चले जाते हैं, भी उनके नाखून लग रहे हैं फिर भी बेचारे निर्ग्रंथ चुपचाप बैठे हैं, मात्र इसलिए बैठते हैं, अनुकूलता नहीं होने पर भी गोदाजी कई बार निर्ग्रंथ इसलिए बैठते हैं कि चलो श्रावक इतने दूर से अपना काम छोड़कर आया है, 10 मिनट उन्हें दर्शन मिल जाएंगे, वह हाथ पैर छू ही लेगा तो रत्नत्रय की वर्गणाएं कुछ उस तक पहुंच जाएगी, कुछ पुण्य वो प्राप्त कर लेगा, वे स्वयं दुख उठाएंगे, कष्ट भोग लेंगे। वह वैयावृत्ति जरूरी नहीं है कि आपकी वैयावृत्ति से हमेशा ही विनायका जी उनको साता मिले। हाँ, जरूरी नहीं है, कोई यहाँ दबा रहा है, कोई खींच रहा है, पर वैयावृत्ति मात्र और मात्र इसलिए करते कि चलो श्रावक आ रहा है, कुछ मेहनत कर रहा है, उसे भी तो कुछ पुण्य मिले। ये होते हो उदार मना तपस्वी ज्ञानी निर्ग्रंथ मुनिराज। मात्र मेरी भावनाओं में माँ उन साधुओं के बारे में पंक्तियों को पढ़ने से दोहराने से काम होने वाला नहीं है, इसलिए कहा पढ़ाना, दुख को हरने वाले, दुख को दूर करने वाले, ये था तुम्हारा दुख, दुखी थे, उदास थे, घर में दिन भर की वह पाप प्रवृत्तियों से विमुख होकर शाम का कुछ समय था, पहुंचे निर्ग्रंथ ने हाथ पैर जरूरत ना होने पर भी दबवा ली। क्यों? आपके हाथ पैर दबाने से क्या नीरज जी उनके हाथ पैर दर्द होना बंद हो गए? जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है, कई बार तो बिल्कुल उल्टा ही होता है, दर्द नहीं भी हो रहे होंगे ना तो दबाने के बाद फिर दर्द होने लगते, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप वैयावृत्ति करना छोड़ो। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि निर्ग्रंथों की करुणा कितनी महान है, उन्हें आपकी दान की, उन्हें आपकी वैयावृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं, वे स्वाधीन है अपनी तपस्या में, उन्होंने जब दीक्षा ली गुरु से तभी उन्होंने निर्णय कर लिया है, उन्होंने तो अपने जीवन को, अपने प्राणों को अपने हाथ पर रख ही लिया है। दीक्षा के पहले ही हमें गुरुजी ने प्रदीप जी कहा था, बेटा प्राणों को और जीवन को अपने हाथ में लेकर चलने की हिम्मत हो तो दीक्षा ले लेना, किसी की वैयावृत्ति और किसी की दान की व्यवस्था के पीछे अपने परिणामों को खराब मत कर लेना, हिम्मत हो तो आगे बढ़ लेना। प्राणों को वो तो हाथों पे लेके चल रहे हैं, पर क्या माँ आपको इतनी भी दया नहीं आती जितनी एक अपने घर के संतान कुलदीपक कहते हैं ना, उस कुलदीपक की तो कितनी रक्षा, इकलौता बेटा है, घर कैसे चलेगा, ऐसा कभी धर्म कैसे चलेगा ये सोचा? आज भी धर्म चल रहा है तो निर्ग्रंथों की ही
बदौलत चल रहा है, आने वाले समय में भी श्राव को आप साथ दोगे तो निर्ग्रंथों की ही बदौलत ये धर्म तमोस्तु शासन जयवंत होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। पर आवश्यकता आवश्यकता आपको अपनी जिम्मेदारी का बोध कराने की है, और ये मात्र जिम्मेदारियों का बोध किया जा रहा है। दो तीन दिन से आहार की भी जो चर्या हुई वह गोदाजी कोई भोजन कथा नहीं चल रही थी, नहीं तो कोई तत्वज्ञानी दूर से सुने कि महाराज जी तो आहार 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 भोजन चर्या कर भोजन चर्या भोजन कथा कर रहे थे, भोजन कथा नहीं चल रही थी। ये श्रावकों को एहसास कराने का प्रयास चल रहा था कि आप क्रिया तो कर रहे हो, ज्ञानी विवेक के साथ और क्रियाओं को करो। भैयावृत्ति सेवा भी करनी है तो बिल्कुल बिल्कुल विवेक के साथ करने का प्रयास करो। तुमने अविवेक से कार्य किया तो विश्वास मानना तुम्हें जितना पुण्य मिलने वाला था उससे कई अधिक गुना तुमने पाप प्राप्त कर लिया। नहीं है शक्ति, नहीं है शक्ति, नहीं है शक्ति, माताओं मत दो दान, पर दूसरों के दान देने में विघ्न मत करो, मत विघ्न करो। ऐसे भी जीव होते हैं वे कहते भाई बहुत हो गया प्रदीप जी आपका, 3-4 दिन आप बंद कर लो, हमारा नंबर आने वाला है, नहीं तो आप लगाओगे तो हमें मिलेगा ही नहीं। सुनने वाले भी और कहने वाले भी कितने मूर्ख है कि हम अपने लिए भी जीवन में अंतराय पाल रहे हैं और दूसरों के भी जीवन में अंतराय पाल दिया, और फिर कुछ होता है फिर पूरे लोग रोते भी लगते आते, अरे ऐसा क्यों हुआ। ये पक्का है कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को नहीं छोड़ता, कर्म किसी को भी नहीं छोड़ता। आगे भगवान कुंद स्वामी समझाने वाले हैं, अभी तो सुनते जाओ। दूसरों के दान में, दूसरों के पुण्य में, दूसरों के धर्म में जो जो अंतराय डालता है वो किस दुर्गतियों को किस किस प्रकार से भोगता है वो भी कहेंगे। निर्माल्य का एक दाना का सेवन भी अगर श्रावकों साधुओं किसी ने भी किया है तो क्या स्थिति होगी। कठोर शब्दों में भगवान कुंद स्वामी कहने वाले, अभी तो स्टार्ट ही किया है। बहुत सोच समझ कर निर्णय करने की आवश्यकता है, क्योंकि ध्यान रखना जो कुल दीपक होता है वही कुल को दीपक की तरह प्रज्वलित भी कर सकता है और दीपक की तरह जला भी। नहीं आया समझ में? वही दीपक जो कुल दीपक है, घर की संतान है, वह उजारा भी कर सकती है और जला के राख भी कर सकती है। ऐसे ही ज्ञानी निर्ग्रंथ का, गुरु का, अरिहंत का, प्रभु का सानिध्य भी तुम्हारे लिए कुल दीपक जैसा प्रकाश करने वाला भी निमित्त हो सकता है और तुम्हारे जीवन को राख करने के लिए भी निमित्त हो सकता है, अगर तुम्हारे पास विवेक नहीं है तो। अगर विवेक नहीं है तो वही अग्नि दीपक की जलाने के लिए भी निमित्त बनेगी, और विवेक से उसे दूरियां बनाकर रखी है तो वही दीपक प्रकाश भी कर सकता है। अरे घर परिवार के कुल दीपकों को क्या, ये धर्म के कुल दीपक है गुरु। अरिहंत नहीं है, सिद्ध नहीं है, निर्ग्रंथ ही वर्तमान में कुल दीपक है। ठीक है बहुत हल्की दीप, बहुत हल्का हल्की ज्योति है, पर प्रकाश तो है। छठे काल जैसा अंधकार तो नहीं है, पर उसे उजाला मानना ही नहीं है, मानना तो पड़ेगा। एक छोटे से कुल दीपक की जैसे रक्षा करते हो, ऐसे ही निर्ग्रंथों की सेवा वैयावृत्ति करते हुए उनकी भी रक्षा करने की जिम्मेदारी को श्राव को समझो। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे परम पूज्य श्रवण रत्न मुनिश्री 108 सुप्रभ सागर जी महाराज के 15वें निर्वाण दीक्षा दिवस के उपलक्ष्य में सुरेश जी जायसवाल, उषा जायसवाल, जय श्री गहलोत, ट्विंकल जायसवाल।